नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 18 जुलाई को देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव है। एनडीए ने जहां इस पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का नाम चुना है, तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। द्रौपदी मुर्मू जहां बीते शुक्रवार 24 जून को अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा ने कल सोमवार को राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। यशवंत सिन्हा का राजनीति में कद इतना ऊंचा है कि ये शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हाँ, क्योंकि अब जिस पद के लिए इनके नाम पर मोहर लगेगी, उसके लिए जरूरी है कि हर आमो खास को ये ज्ञान हो कि राजनीति की दुनिया में इनका कद कितना ऊंचा है। वैसे अपने अखड़ अंदाज, तीखे तेवर और सटीक बात कहने के लिए राजनीति के महारथी यशवंत सिन्हा खूब जाने जाते हैं। 6 नवंबर 1937 को बिहार के पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा पॉलिटिकल साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट है। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1960 तक उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया और इसी साल उन्होंने आईएएस एग्जाम में देश भर में 12वीं रैंक हासिल की और फिर 24 साल तक उन्होंने प्रशासनिक सेवा को दिए। इस दौरान कई अहम पदों पर वो काबिज भी रहे और शायद यहीं से उनके राजनीति में आने का आधार लिखा जा चुका था। कैसे, वो भी सुनिए। आईएएस एग्जाम क्वालिफाई कर शुरुआती ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बिहार के संथाल परगना में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद का कार्यभार संभाला। इसी दौरान 1964 में उनकी भिड़ंत हुई, उस वक्त बिहार के सीएम से। बताया जाता है कि बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा जब संथाल परगना के दौरे के लिए पहुंचे, तो आम जनता की शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री बार बार यशवंत सिन्हा से सवाल किए जा रहे थे, जिससे वो काफ़ी इरिटेट हो रहे थे। और इसी बीच सीएम के साथ आए एक मंत्री यशवंत सिन्हा पर विफर पड़े। तब उन्होंने सीएम से कहा कि वो इस तरह के स्वभाव के आदी नहीं हैं। उसके बाद सीएम साहब उन्हें एक कमरे में लेकर गए और उनसे कहने लगे कि आपको मंत्री जी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। जवाब में यशवंत सिन्हा ने भी वही कहा कि मंत्री जी को भी मेरे साथ इस तरह का बिहेव नहीं करना था। जिस वक्त यशवंत सिन्हा ये सब सीएम साहब से कह रहे थे, वहाँ पर एसपी और डीआईजी मौजूद थे। यशवंत सिन्हा की बात सुनकर महामाया प्रसाद गुस्से से बौखला उठे और उन्होंने यशवंत सिन्हा से कह दिया कि आप कोई दूसरी नौकरी तलाश लो। सीएम के इस जवाब पर साल 1964 में उस वक्त यशवंत सिन्हा ने उनसे कहा कि सर, आप एक आईएएस नहीं बन सकते, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। और आज देखिए, यशवंत सिन्हा प्रधानमंत्री बनने के लिए कतार में है। खैर, तल्ख तेवर और सीधी सपाट बात कहने में विश्वास रखने वाले यशवंत सिन्हा ने रिटायरमेंट से 12 साल पहले ही आईएएस के पद से इस्तीफा दे दिया। नौकरी छोड़ने के कुछ महीनों बाद ही 1984 में उन्होंने राजनीति का रुख किया और जनता दल में शामिल हो गए। राजनीतिक पारी की शुरुआत के साथ ही 1986 में वो पार्टी के महासचिव बने और 1988 में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए। ऊंचे पद की प्राप्ति का मोह उन्हें कभी प्रभावित नहीं कर सका। साल 1989 में जब वीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो उन्हें भी राज्य मंत्री बनने का ऑफर दिया गया, लेकिन बिना कोई उधेड़बुन जताए उन्होंने चंद सेकंड्स में इस ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वो राज्य मंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे। यशवंत सिन्हा जब जनता दल में शामिल हुए, तभी से वो चंद्रशेखर के बेहद करीब थे। इसीलिए जब 1990 में चंद्रशेखर पीएम बने, तो उन्होंने यशवंत सिन्हा को वित्त मंत्री बनाया। चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री का कार्यकाल करीब करीब 8 महीने का रहा। इस सरकार के गिरने के कुछ वक्त बाद ही यशवंत सिन्हा ने जनता दल छोड़कर भाजपा का दामन थामा और 1996 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। 1998-99 में झारखंड की हजारीबाग सीट से लोकसभा के सांसद चुने गए और अटल सरकार के दौरान मार्च 1998 से मई 2002 तक वित्त मंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला। फिर जुलाई 2002 में विदेश मंत्रालय संभालने का मौका भी यशवंत सिन्हा को मिला। साल 2004 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। यशवंत सिन्हा खुद भी हजारीबाग सीट से लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन इसके बाद पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा। फिर 5 साल बाद 2009 में यशवंत सिन्हा को हजारीबाग सीट से तो जनता का प्यार मिला, उन्हें जीत मिली, लेकिन एनडीए को एक बार फिर से आम चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार से परेशान होकर यशवंत सिन्हा ने पार्टी की हार की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से
इस्तीफा दे दिया और फिर साल 2018 में भाजपा छोड़कर उन्होंने टीएमसी का दामन थामा, जहां उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। सुर में सुर मिलाने के अंदाज से थोड़े अलग रहे यशवंत सिन्हा के बागी तेवर देखने को मिले साल 2018 में ही, जब अरुण शौरी और प्रशांत भूषण के साथ साथ यशवंत सिन्हा ने भी मोदी सरकार के विरोध में सुर बुलंद किए, इतने कि सीधे सुप्रीम कोर्ट की राह पकड़ी। मुद्दा था राफेल सौदे में भ्रष्टाचार और कटघरे में थी मोदी सरकार। तब मोदी सरकार के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज करने की मांग भी काफी उठी थी। यशवंत सिन्हा के ये बगावती अंदाज उस वक्त हर किसी के लिए बेहद हैरान करने वाले थे। इसके बाद हाल ही में जब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, तो उसमें एक चर्चा शामिल हुई खुद यशवंत सिन्हा के ट्वीट पर, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं ममता जी का आभारी हूँ जिन्होंने टीएमसी में मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी। अब वो समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर विपक्षी एकता के लिए काम करना होगा। मुझे यकीन है कि वो इस कदम को स्वीकार करेंगी। उनके इस ट्वीट के बाद इन कयासों का दौर शुरू हुआ कि यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर सामने आ सकते हैं, और हुआ भी ठीक वैसा ही। विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई, जिसके बाद कल सोमवार 27 जून को यशवंत सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले ही उन्होंने टीएमसी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और 21 जुलाई को यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले देश को अपना नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन वो राष्ट्रपति होगा कौन? जीत एनडीए की द्रौपदी मुर्मू के नाम होगी या फिर यशवंत सिन्हा के? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो राजनीति का गणित द्रौपदी मुर्मू के साथ है, लेकिन ये भारतीय राजनीति है जहाँ का गणित पल पल में हवाओं के रुख की तरह बदल जाता है। हाँ, इतना तय है कि नया राष्ट्रपति कोई भी हो, इन दो चेहरों में से कोई एक होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।